संत कबीरदास की उलटवासियां। उलटवासी का अर्थ है जो उल्टा लगे परंतु अर्थ में उल्टा न हो। उलटवासी उल्टे के समान किंतु तथ्य में सीधा। आइए सुनते हैं कबीर की उलटवासियां। दुल्हिन काहिन अंगी या धुलाई, दुल्हिन काहिन अंगी या धुलाई, ओ दुल्हिन काहिन अंगी या धुलाई। बालेपन की महली अंगिया, बालेपन की महली अंगिया, विषयन दाग परिजाई, दुल्हिन काहिन अंगिया धुलाई, दुल्हिन काहिन अंगिया धुलाई। बिन धोय पिया रीझत नाही, सेज से देत गिराई, हैरान बिन धोए पिया रीझत नाही, सेज से देत गिराई, सुमिरन ध्यान के साबुन करिले, सुमिरन ध्यान के साबुन करिले, सत्य ज्ञान दरियाई, दुल्हिन काहिन अंगिया धुलाई, दुल्हिन काहिन अंगिया धुलाई। दुविधा के बंद खोल बहुरिया, मन के मैल धुआए, दुविधा के बंद खोल बहुरिया, मन के मैल धुआए, चेत करो तीनों पन बीते, चेत करो तीनों पन बीते, अब गम ना निहराई, दुल्हिन काहिन अंगिया धुलाई, हे दुल्हिन काहिन अंगिया धुलाई। चालनहार द्वार है ठाड़े, अब काहे पछताई, हैरान चालनहार द्वार है ठाड़े, अब काहे पछताई। कहत कबीर सुनो रे बहुरिया, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो रे बहुरिया, चित अंजन दे आए, दुल्हिन काहिन अंगिया धुलाई, ओ दुल्हिन काहिन अंगिया धुलाए, हैरान काहिन अंगिया धुलाए। हे मनोवृत्ति, तूने शरीर और मन को क्यों नहीं शुद्ध कर लिया? यह तन मन का अंग रखा बचपन से ही मैला है, सावधान न रहने से इसमें विषय वासनाओं के दाग पड़ गए हैं। बिना शरीर और मन शुद्ध हुए आत्मदेव संतुष्ट नहीं हो सकते। है मैली मनोवृत्ति, वे अपनी स्वरूप स्थिति शैया से तुम्हें गिरा देंगे। अतएव यदि तुम्हें चेतन पुरुष के साथ सोना है तो स्वयं को पूर्ण शुद्ध कर ले। पूर्ण निर्मल मनोवृत्ति ही चेतन देव के साथ एकाकार होती है। इसके लिए आत्मदेव के स्मरण और ध्यान के साबुन लगाकर सत्य स्वरूप ज्ञान की निर्मल नदी में स्वयं को पखार ले। हे मनोवृत्ति,
तू दुविधा के बंधन खोल दे। तू कभी सोचती है कि मेरा पति किसी लोक में होगा या अलग चलकर मिलेगा? अरे इस देह में निवास करने वाला दृष्टा चेतन ही तेरा पति है। तेरे को उसे खोजने की कहीं नहीं जाना है। तू अंतःकरण के मैल को धो ले, बस तेरा साक्षात्कार उससे हो जाएगा। सावधान हो जाओ, शरीर के बाल, युवा और वृद्ध, ये तीनों पन बीत गए हैं। अब तो जर्जरता आ गई है। अब अपना माने हुए संसार से विदाई का दिन निकट है। ले चलने वाला काल मानो दरवाजे पर खड़ा है। अब पश्चाताप करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि हे मनोवृत्ति, अपने अंतश चक्षु में आज भी विवेक ज्ञान का आंजन लगा ले, जिससे मोह की भ्रांति का पर्दा फट जाए और तू अपने चेतन पुरुष से मिलकर कृतार्थ हो जाए।